तो इनकी तरफ से जो ये निर्णय हुआ कि दोनों पार्टियां बराबर हैं, क्योंकि हमारे भैया हमको बिल्कुल पड़ोस से हैं और मैं बहुत बार सेवा दे चुका हूँ और हमारे भैया श्री अनिल गौतम जी अगर है कहीं पर तो वो तत्काल मंच पर आ जाए, उनकी यहाँ प्रतीक्षा हो रही है। तो हम तो बहुत बहुत सेवा कर चुके हैं आपकी और जब भी कहेंगे फिर अभी तुम बरकरार हो, क्योंकि कहा जाता है कि मैं अपनी जिंदगी की हर तमन्ना हार बैठा हूँ मगर एक और बाजी के लिए तैयार बैठा। तो ये कार्यक्रम का जो निर्णय दोनों के लिए बराबर हुआ यही होना चाहिए था। और जहां तक पारितोषक की बात है तो बिल्कुल सत्य है कि जो मेहमान, क्योंकि हम हमारे ये यूपी के भी नहीं है, मध्य प्रदेश से आए हैं, तो मध्य प्रदेश ये भारत का हृदय प्रदेश होता है। तो मैं चाहता हूँ कि भैया श्री माता दीन भैया हमारे छोटे भाई भी हैं, अनुज हैं, और अनुज का तो वैसे भी बड़े से पहले अधिकार होता है। तो मैं चाहता हूँ कि भैया श्री माता दीन जी को सम्मान बड़ा पुरस्कार दिया जाए और जो बड़ा है वो मतलब जो छोटा जो छोटा है वहाँ दिया जाए, बड़े को छोटा दिया जाए। देखिए मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे नवयुवक पार्टी मंकू ठाकुर द्वारा जो कार्यक्रम जारी है एक छत और सोचा था ही आप सबकी हो जाए बड़े भाई वार्ड 64 से 62 तक के प्रत्याशी जनाब मंकू सिंह चौहान जी के जोरदार तालियां, क्या बात है, तालियां आप सबकी, क्या बात है, जोरदार तालियां। इतनी सुंदर सी इतनी अच्छी चाय पिलाई मंकू भाई ने आप सबको और मिस प्रसाद का भी अरेंजमेंट है मंकू भाई के दीवान में, ढोकला समोसा सबके लिए मंकू भाई ने उठाई, कोई जाएगा नहीं, कौन कौन जा रहा है।